दोस्तों, अगर आप कोई गेमिंग हेडफोन्स लेने वाले हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम एक मिड रेंज या फिर आप एंट्री लेवल वाले गेमिंग हेडफोन्स के बारे में हम इनफैक्ट बात करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन देंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और वो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्सा की तरफ से। ये एक ऐसा ब्रांड है, काफ़ी अंडररेटेड ब्रांड है, बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे इसके हेडफोन्स हैं। और एक्सा E900 Pro के बारे में हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन जानेंगे। दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के श्रेष्ठ कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार, एक्सा एक ऐसा ब्रांड है मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत नहीं मिली है मार्केट के अंदर, जैसे कि आपके हाइपर एक्स या फिर बाकी सेनाइजर या बाकी दूसरे ब्रांड्स को जो इज्जत मिली हुई है। सेनाइजर तो हमने थोड़ा गलत नाम ले लिया, लेकिन स्टिल बाकी ब्रांड्स में जो इज्जत है वो इसको नहीं मिली है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मतलब लोग इसको एस्टिमेट करते हैं, लेकिन पर्सनली जो मैंने इसके थोड़ा बहुत इसको यूज़ किया घंटा दो घंटा, बहुत ही मेरे को सही लगे। यहाँ पे आपको 7.1 सराउंड साउंड देखने को मिलेगा, यूएसबी केबल के साथ आप कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर स्प्लिटर देखने को मिलेगा अगर आप उस हिसाब से अगर कनेक्ट करते हैं तो, नॉर्मल केबल। और केबल की क्वालिटी सीरियसली बहुत तगड़ी है। तो फटाफट इसकी खोलन किया फिर अनबॉक्सिंग वाली प्रक्रिया को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का आपको एक केस दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ 2-in-1 गेमिंग हेडसेट और E900 Pro है एक्सा का। 7.1 सराउंड साउंड बहुत ही दिखने में प्यारा है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज की, तो PS4, Xbox One X और Nintendo Switch और PC सबके साथ कंपैटिबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट की इसको खोलते हैं। इसके अंदर आपको बेसिकली एक पाउच देखने को मिलेगा, और इस पाउच के अलावा इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी डब्बे को रख देते हैं साइड में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पाउच की, तो ये बहुत ही प्यारी और एकदम प्रीमियम फिनिश ये देता है। और इसके अंदर हम माल मसाला खोलते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक आपकी जन्म पत्री देखने को मिलेगी, इसको पेयर कैसे करना है या फिर इसके ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करना है, वो सब ज्ञान वगैरह है। वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ज्ञान हमारे पास पहले से ही है, इसको फेंक देते हैं साइड में। अब लास्ट में हमारे पास दो चीज़ें बचाती है, एक आपके हेडफोन्स और दूसरे आपकी केबल्स का जाल। इसको फटाफट से खोल लेते हैं, इसका भी ज्ञान हम ले लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एक आपको डिटेल्ड मैनुअल गाइड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी भाषाओं के अंदर ज्ञान दिया हुआ है। अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्ञान कोई काम का नहीं है, इसको भी फेंक। लास्ट आपको एक प्यारा सा कार्ड है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर आपको हर चीज़ के लिए, जैसे वारंटी रजिस्ट्रेशन या फिर बाकी सारी रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे हैंडी अवेलेबल हैं। पीछे आपको एक मैसेज है इनके फाउंडर एंड CEO की तरफ से, जो कि एक बहुत प्यारा मैसेज है। और साथ ही अगर आप और भी अगर कोई एक्सा हेल्प चाहते हैं तो उसे आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही जगह, मतलब आपको ज़्यादा संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको डेफिनेटली प्रेस करना। वीडियो अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अब फाइनल दोस्तों, बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, बेसिकली आपको एक 3.5 mm जैक टू 3.5 mm जैक वाला कन्वर्टर देखने को मिलेगा, और एक 3.5 mm जो जैक है उसके अंदर आपको एक लॉक देखने को मिलेगा, मतलब आपका इजीली ये खुलेगा नहीं। और दूसरा आपको एक स्प्लिटर देखने को मिलेगा, जैसा आपने देखा होगा PC के अंदर एक माइक का और आपका जो 3.5 mm जैक ऑडियो वाला जैक है उसका अलग अलग ऑप्शन रहता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी क्वालिटी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये जो वायर है उसकी सीरियसली बहुत तगड़ी क्वालिटी एंड काफ़ी बड़ा ये वायर है। साथ ही आपको USB वाला भी, USB 2 Type-C वाला सपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर जैसे आप PC के ऊपर गेमिंग करते हैं या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो वहाँ पे आपको अगर इसकी लाइटें वगैरह जलानी है या फिर आपको सराउंड साउंड वगैरह चाहिए, एकदम मस्ती लेनी है पूरी, तो आपको USB यूज़ करनी पड़ेगी, 3.5 mm जैक से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है, डिटैचेबल माइक भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगता है कि अगर आप बंदे को खाली गाने सुनने के लिए चाहिए तो माइक नहीं चाहिए, उसको निकाल सकता है। उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक हल्का सा उभार यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक तरह से लॉक सा हो जाता है, मतलब गोल गोल घूमेगा नहीं ये। और बाकी लास्ट में ये आपके हेडफोन्स, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्टर्डी बिल्ट है। इसके अंदर आपको यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही आपको माइक को अगर पॉज करना है, अगर आपको मतलब कोई गर्लफ्रेंड से प्यार से अगर कुछ कहना है तो आप इसको प्रेस करके, और ये इतने हैंडी है कि मतलब आपके हाथ यहीं जाएगा। और ये आपका 3.5 mm जैक का स्विच, जिसके अंदर मैंने बताया आपको लॉक हो जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर Type-C और माइक का
सपोर्ट देखने को मिलेगा। माइक का जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही काम करेगा और उसके बाद और इसको आप अपने हिसाब से टर्न वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि बहुत सही है। और साथ ही एक अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगी कि हर एक के अंदर आपको L और R लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको मतलब बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली बंदा नीचे देखता है या इधर देखता है कि यार लेफ्ट है या राइट, यहाँ आपको दूर से दिख जाएगा आराम से, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे ये फोम दिया गया है जो कि आप अगर रेगुलरली काफ़ी इंटेंसिव गेमिंग या काफ़ी टाइम तक अगर गेम्स खेलते हैं तो दिक्कत नहीं आने देगा, तो आराम से आप गेमिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे एक्सा E900 प्रो के बारे में। डिटेल में इसको यूज़ करके हफ्ता भर यूज़ करके आपको बताऊंगा कि इसका मेरा रिव्यू कैसा रहेगा, या फिर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यार ये था अपना वीडियो जिसके अंदर आपको अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिए एक्सा E900 प्रो के बारे में। और मतलब अंडर 3000 वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स हैं जो आपको बहुत कंफर्टेबल गेमिंग करा देंगे, काफ़ी अच्छा खासा सराउंड साउंड दे पाएंगे, और साथ ही अगर आप इसके अंदर अगर ड्राइवर भी अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और ड्राइवर का लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, आप अगर वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ के साथ में जो पर्ची है जो फर्रा आता है उसके अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और सबसे और अच्छी बात इसके अंदर ये कि 24 मंथ्स की वारंटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए।